वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ प्रियंका। आज की जो मैं वीडियो उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आइस क्यूब फेशियल या फिर आइस क्यूब स्किन केयर रूटीन आप इसे बोल सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ आइस क्यूब फेशियल शेयर करने वाली हूँ। समर सीजन के लिए फेशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस आइस क्यूब्स को कैसे बनाना है। ये मैंने आइस क्यूब ट्रे ले ली है। तो फर्स्ट होता है क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग के लिए क्या करना है, क्लेंजिंग के लिए आपको लेना है मिल्क। ठीक है, तो मैं इसमें ले रही हूँ मिल्क और मैं मिल्क डालूँगी इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें मिल्क डाल लिया है। अब इसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है स्क्रब। तो स्क्रब के लिए मैं क्या करूँगी, मैं राइस फ्लावर और कर्ड को इसमें ऐड करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें राइस फ्लावर ऐड कर दिया है और मैं इसमें थोड़ा सा कर्ड डाल रही हूँ। और जितना भी आपको लगता है उतना ही आपको डालना है, बस इतना कट होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। कुछ इस टाइप से इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है इस टाइप से। तो ये सेट हो गया है, इसकी भी हम आइस क्यूब ही बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें लेना होगा टोनर। तो टोनर के लिए मैं क्या करूँगी, ये आइस क्यूब है तो इसमें मैं रोज़ वाटर ऐड करूँगी। ये रोज़ वाटर है, मैं इसमें ऐड कर लूँगी क्योंकि इसमें आइस क्यूब है छोटी सी और उसमें मैं रोज़ वाटर डाल लूँगी। आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया। तो ये टोनर बन गया है हमारा। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, हमें चाहिए होगा मसाज। तो मसाज के लिए मैं क्या करूँगी, मसाज के लिए मैं थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एलोवेरा जेल डाल दिया। उसके बाद में इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं और मैं स्पून की हेल्प से इसे मिला दूँगी। और ये भी बन गया हमारा मसाज वाला जो प्रोसेस होगा वो। कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी, फेस पैक की। तो फेस पैक के लिए मैं लूँगी मुल्तानी। तो मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी पहले डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं इतनी मुल्तानी मिट्टी इसमें ली है मैंने। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी वाटर। तो मैं इसमें वाटर डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं इतना वाटर बिल्कुल सही होगा बस। ठीक है, इतना वाटर मैंने डाल लिया। इसे भी मैं ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये बन गया है हमारा यू नो ये क्लेंजिंग, उसके बाद ये टूनर, ये स्क्रब और उसके बाद में ये हमारा मसाज वाला ये और ये पैक। तो जब ये आइस क्यूब बन जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो आपने देख ही लिया है कि इन्हें बनाना कैसे है। तो अब चलिए मैं जल्दी से आपको इन्हें अप्लाई करके बताती हूँ अपने फेस पर। मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, मैंने फेस को वॉश भी नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्लेंजिंग की बारी आती है। तो क्लेंजिंग के लिए ये देखिए आइस क्यूब, ये मिल्क वाली आइस क्यूब है। तो मैं इसे अपने फेस पर लगाऊंगी। मैं ये इसलिए ले रही हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। इससे आपका फेस क्लेंज होगा बहुत ही अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा कूल इफेक्ट आएगा आपके फेस पर। इसीलिए मैंने आपको ये आइस क्यूब फेशियल बताया है। और इसमें स्मेल भी बहुत ही अच्छी आती है, वरना मिल्क में स्मेल बहुत ही अलग आती है। तो यार, तो इसके बाद मैं ऐसे ही इसे मसाज कर लूँगी।
तो इसमें जो मिल्क और रह गया था मैं उसे भी अपने फेस पर अप्लाई करके मसाज कर रही हूँ। तो क्लेंस मैंने अच्छे से क्लेंजिंग कर ली है, अब इसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को अच्छे से यूँ वॉश करके ड्राई कर लिया है और फर्स्ट ही बार में आप देख सकते हैं फेस पहले से कितना क्लीन लग रहा है। ये देखिए अब बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब सेकेंड जो प्रोसेस है वो है स्क्रब। तो स्क्रब के लिए वही जो स्क्रब मैंने आपको बताया था राइस तो कर्ड का, वही आइस क्यूब मैं यूज़ करूँगी, तो मैं वो ले रही हूँ आइस क्यूब। तो ये है वो आइस क्यूब राइस और कर्ड वाली, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से अप्लाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा कूलिंग भी हुआ है। तो समर सीज़न के लिए मुझे लगता है ये वाला पैक बहुत ही ज़्यादा स्क्रब्स वाली मतलब स्क्रब बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है। अपनी जो ये ब्लैक हेड्स एरिया होता है यहाँ पर अच्छे से स्क्रब करना चाहिए आपको। स्क्रब आपको 2 से 3 मिनट ही करना होता है और आपको आराम से ही स्क्रब करना चाहिए, आपको ऐसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए धीरे धीरे। तो मैंने स्क्रब तो अच्छे से हो गया है, अब अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रब कर लिया और आप फेस में कितना अच्छा ग्लो ही आ रहा है और फेस पहले से कितना ब्राइटन हो गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो टोनर है। तो टोनर के लिए आपको लेना है रोज वाटर आइस क्यूब, इससे मैं टोनिंग करूँगी। बस अब इसे टैप टैप करके मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। मैंने इसमें वाटर थोड़ा सा ही ऐड किया था। जिस टाइप से आपको इसे टैप टैप करके ड्राई कर लेना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मसाज। तो मसाज के लिए मैंने आपको बताया था मैंने एलोवेरा जेल और मैंने रोज़ वाटर लिया है, तो मैं वही ले रही हूँ। देख लीजिए आप ये एक्चुअली में क्या है, बिल्कुल बिल्कुल पिघल गया है ये, इसलिए मुझे इस टाइप से ही लेना पड़ रहा है, पर ठंडा तो है ही।
कुछ स्टेप्स आपको मसाज करनी है अपने फेस की। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज करना है। आप देख सकते हैं स्टेप्स आपको कुछ मसाज करना है। उसके बाद जो बचा हुआ जो एलोवेरा जेल है मैं उससे भी ले रही हूँ। यह आपका स्किन केयर रूटीन भी हो सकता है और आप इसे फेशियल भी कह सकते हैं। मैं आपको पूरा मसाज करके अच्छे से बता रही हूँ। अच्छे से मेरा मसाज हो गया है, अब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। तो फेस आप देख ही सकते हैं पहले से और अभी में कितना अंतर आ गया है फेस में। फेस पहले से बहुत ज़्यादा ब्राइटन भी हो गया है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो होगी फेस पैक। तो मैं फेस पैक लगा लूँगी मुल्तानी मिट्टी वाला, वो फेस पैक। ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको फेस पैक लगाना है। मेरी फिंगर भी थोड़ी ख़राब हो गई। इसमें और जो भी है तो आप देख सकते हैं। तो इसे मैं 15 से 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। देखते हैं, मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और फेस कितना ग्लो कर रहा है और बिल्कुल ब्राइटनर हो गया है फेस बहुत अच्छे से। और पहले से कितना ज़्यादा ब्राइटनर लग रहा है आपको खुद को दिख रहा होगा। तो आई होप आपको ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और मैंने जब इसे अप्लाई किया तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये फेशियल, क्योंकि मैंने सारे आइस क्यूब्स अपने फेस पर अप्लाई किए थे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है फेस के लिए। तो या और अब सच में मैंने कुछ भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं किया, वही प्रोसेस किया था फेशियल प्रोसेस। इसे आप स्किन केयर रूटीन बोल सकते हैं। मैंने वही अप्लाई किया और मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया अपने फेस पर। उसके बाद डायरेक्ट अपने फेस को वॉश किया है और उसके बाद ही आप देख सकते हैं
तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने क्लेंजिंग किया था यानी मिल्क, मिल्क में क्या होता है, डर्ट रिड्यूस करता है मिल्क आपके फेस से जितनी भी, आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपके लिप्स को यू नो डार्कन से लाइटन करने में हेल्प करता है। मिल्क का ये यूजेस होते हैं, तो इसीलिए मैंने क्लेंजिंग के लिए मिल्क यूज़ किया है। सेकेंड आता है स्क्रब, स्क्रब के मैंने राइस फ्लोर यूज़ किया, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारे फेस की डेड सेल्स को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमारे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसमें मैंने कर्ट जो मिक्स किया है, तो कर्ट क्या होता है, एक ब्लीचिंग का यू नो काम करता है आपके फेस से, और आपके फेस को ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन और ड्राई है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, कोई भी आपकी स्किन टाइप है आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस फेशियल को, ये और स्किन टाइप के लिए है। उसके बाद रोज़ वाटर को मैंने ऐसा टोनर जो आइसक्रीम बना के यूज़ किया था, रोज़ वाटर के बेनिफिट्स तो आप सबको पता ही होंगे, रोज़ वाटर आपके जो फेस होता है उसको ग्लो, एक बहुत ही ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, आपकी जो पोर्स होते हैं उन्हें यू नो आपके पोर्स को ओपन करने में हेल्प करता है, आपके पोर्स जो क्लॉक हो जाते हैं उन्हें, और आपकी स्किन से पिंपल्स को रिमूव करता है, डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है। उसके बाद में हमने जो मसाज के लिए एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर लिया था, एलोवेरा जेल आपको पता ही है एक जेल टाइप जेल फॉर्म में आता है, तो आपके मसाज के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एलोवेरा जेल, और मसाज आपको करनी ही चाहिए 15 से 20 मिनट्स। वीक में एक बार आपको फेशियल करना चाहिए, तो उसके साथ आप मसाज ज़रूर ऐड करें। अगर आप मसाज ऐड नहीं कर रहे हैं ना अपने फेस के फेशियल में, तो कोई मतलब नहीं है किसी भी फेशियल का। हम जब भी पार्लर पे जाते हैं तो वो भी हमारे आप जो पार्लर पे हम फेशियल करवाते हैं तो तभी हमारे फेस पर मसाज होता ही है, तो आपको पता है, तो इसीलिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने 15 से 20 मिनट्स मसाज किया था। मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको कैसे कैसे मसाज करना है, और मैं और भी वीडियोज़ में आपको एक अलग से सिर्फ मसाज की वीडियो बनाऊँगी, तो इसीलिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज से आपकी जो आपकी स्किन होती है वो ग्लोइंग रहती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो इसलिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट जो फाइनल था वो था मुल्तानी मिट्टी का पैक, मैंने उसमें मुल्तानी मिट्टी और वाटर ही ऐड किया था। तो मुल्तानी मिट्टी क्या करता है, अभी समर सीज़न चल रहा है, और समर सीज़न में क्या होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मुल्तानी मिट्टी आपके फेस को एक कूलिंग इफेक्ट देती है, आपके फेस को ब्राइटन बनाने में हेल्प करती है, पिंपल को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसीलिए अगर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप मुल्तानी मिट्टी का पैक ज़रूर यूज़ किया कीजिए, ऑयली स्किन है तो भी आप मुल्तानी मिट्टी ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाया है, आप चंदन पाउडर का पैक बना लीजिए, आप मुलेठी पाउडर का पैक बना लीजिए, जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो पैक बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये एक स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं आप, बहुत इजीली आपको सारे सामान अवेलेबल हो जाएंगे, कोई मैंने बहुत ज़्यादा यू नो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या फिर जो नहीं मिलते हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं इस वीडियो में, तो आप आराम से इन्हें इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे ये। तो एक स्किन केयर रूटीन है, वीक में 2 से 3 बार आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। एक DIY स्किन केयर रूटीन भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, DIY स्किन केयर रूटीन, ठीक है, उसमें कोई अलग इन्ग्रीडियंट होगा। ये एक फेशियल भी है समर सीज़न के लिए, इससे अच्छा फेशियल कोई नहीं हो सकता, सच में बहुत ही अच्छा फेशियल है। आपको मेरे फेस से देखकर ही पता लग रहा होगा, मेरा फेस पहले की तरह डल लग रहा था, और अभी आप खुद देख सकते हैं फेस क्लीन है, ग्लोई लग रहा है, और हाइड्रेट लग रहा है फेस बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी अपने आने वाली जो वीडियोज़ हैं, तो इसीलिए, और बेल बटन पर क्लिक कर लेना ताकि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशंस होगी वो आप तक फटाफट से पहुंच जाएगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।